तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी ने आईसीसी की लेटेस्ट टी20 रैंकिंग जारी कर दी है, जहां ताजा रैंकिंग में काफी बड़ा उलटफेर हुआ है। इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं आईसीसी की लेटेस्ट टी20 रैंकिंग की टॉप 10 टीम्स के बारे में कि आखिर कौन सी टीम किस स्थान पर पहुंच चुकी है, जबकि आपको बताने वाले टॉप 10 बैट्समैन, टॉप 10 बॉलर्स और टॉप 10 ऑलराउंडर्स के बारे में कि कौन सा खिलाड़ी किस स्थान पर मौजूद है। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। गौरतलब है कि इंडिया वर्सेज साउथ अफ्रीका के बीच 5 T20 मैचों की सीरीज खेली गई, जिसमें टीम इंडिया ने 2 मुकाबले जीते तो साउथ अफ्रीका ने भी 2 मुकाबले जीत लिए थे, जहां सीरीज दोनों की बराबरी पर खत्म हो गई थी क्योंकि 5वां T20 मुकाबला वॉश आउट हो गया था बारिश की वजह से। तो सीरीज दोनों खत्म होने के बाद कुछ इस तरह से आईसीसी की लेटेस्ट T20 रैंकिंग, जहां पर टीम इंडिया को अफ्रीका के बाद आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ भी काफी जबरदस्त और सीरीज खेलनी है, उसके बाद भी टीम इंडिया की कई सारी सीरीज खेली जाएंगी। तो टीम इंडिया का यहां पर काफी बिजी शेड्यूल है, लगातार बैक टू बैक T20 ODI मैचों की श्रृंखला खेली जाएगी। तो बात करते हैं आईसीसी की लेटेस्ट T20 रैंकिंग की टॉप 10 टीम्स के बारे में। तो पहले स्थान पर टीम इंडिया मौजूद है। जी हां, भारतीय टीम पहले स्थान पर मौजूद है T20 की रैंकिंग में। नंबर 2 पर इंग्लैंड की टीम है और नंबर 3 पर पाकिस्तान की टीम पहुंच चुकी है, जबकि नंबर 4 पर साउथ अफ्रीका की टीम आ गई है। नंबर 5 पर ऑस्ट्रेलिया की टीम है, नंबर 6 पर न्यूजीलैंड की टीम, जबकि नंबर 7 पर वेस्टइंडीज, नंबर 8 पर बांग्लादेश और नंबर 9 पर श्रीलंका, नंबर 10 पर अफगानिस्तान की टीम खिसक गई है। तो ये रहा आईसीसी की लेटेस्ट T20 रैंकिंग की टॉप 10 टीम्स। तो प्लेयर्स की रैंकिंग में भारतीय खिलाड़ियों का बुरा हाल है, जहां टॉप 10 बल्लेबाजों में ना तो विराट कोहली है, ना केएल राहुल और ना ही रोहित शर्मा। जी हां, ईशान किशन ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाया बीते कुछ महीनों में और इसी वजह से ईशान किशन पहले भारतीय बल्लेबाज हैं जो टॉप 10 में पहुंच चुके हैं। तो आईसीसी की न्यू T20 रैंकिंग की टॉप 10 बल्लेबाज कुछ इस तरह से हैं। नंबर 1 पर पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम, नंबर 2 पर मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर बैट्समैन पाकिस्तान के, नंबर 3 पर एडन मार्करम, नंबर 4 पर डेविड मलान, नंबर 5 पर आरोन फिंच और नंबर 6 पर आ गए हैं डिवॉन कॉनवे। नंबर 7 पर ईशान किशन पहुंच चुके हैं, इन्होंने लंबी छलांग लगाई है। नंबर 8 पर रसेई वंडर डुसान, नंबर 9 पर पथुम निशांका, नंबर 10 पर मार्टिन गप्टिल। तो वहीं T20 बॉलिंग रैंकिंग्स में नंबर 1 पर जोश हेजलवुड हैं, ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज, नंबर 2 पर आदिल रशीद, नंबर 3 पर तबरेज शमसी और नंबर 4 पर राशिद खान है, नंबर 5 पर आदम जंपा, नंबर 6 पर एनरिच नोतजे आ गए और नंबर 7 पर वरिंदु हसरंगा खिसक गए, नंबर 8 पर महेश तेगसाना और नंबर 9 पर स्टोन आगर, नंबर 10 पर नसुम अहमद हैं। अब अगर हम बात करें T20 ऑलराउंडर्स रैंकिंग के बारे में तो नंबर 1 पर मोहम्मद नबी हैं, नंबर 2 पर साकिबुल हसन, नंबर 3 पर मोइन अली, नंबर 4 पर ग्लेन मैक्सवेल और नंबर 5 पर लियाम लिविंगस्टोन, नंबर 6 पर रोहान मुस्तफा, नंबर 7 पर जे जे स्मिथ, नंबर 8 पर जीशान मकसूद, नंबर 9 पर दीपेंद्र आरी, जबकि नंबर 10 पर वरिंदु हसरंगा।